केंद्र सरकार ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो योजना लागू की है, ये हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे में हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत गवर्न होने वाले लगभग 38,000 सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, और ये योजना जैसे कि बताया गया 1/4/2025 से लागू की जाएगी, और उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो NPS में रहना चाहते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं। ये योजना बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बनाई गई है। हमारे जो मान्यता प्राप्त संगठन है, जो हमारे कर्मचारियों हैं, उनने भी काफ़ी इसका जो है हर्ष के साथ इसका जो है अभिवादन किया है कि बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली गई है, और मेरा पूरा विश्वास है हमारे उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन का कि जो है इस योजना में जो और थिंकिंग के बाद और भी जो चीज़ें आएंगी उनको भी हम पॉइंट फोर्थ आगे करेंगे। जैसा कि बताया कि हमारे यहाँ लगभग 38,000 इस योजना में कर्मचारी कवर होंगे, लगभग 100 करोड़ के आसपास हमारा जो है वित्तीय भार इस पर रहेगा, और स्कीम के गुड पॉइंट्स जो है हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी शेयर किया गया, कैसे इसको रोल आउट किया जाएगा, क्या खासियत है जो कि NPS से बेहतर है, और इस स्कीम के बारे में हम कर्मचारियों तक और भी जानकारी इसको पहुँचाने का काम करेंगे। आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया इसके बारे में अपने चैनल और अपने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताएं, ताकि जनमानस में भी और हमारे कर्मचारी भी और ज़्यादा व्यापक रूप से प्रचार।